कैलाश जी, बद्री जी, पीछा करते करते थक गए होंगे आप लोग। क्या पियेंगे आप लोग, चाय कॉफी? गर्मी बहुत है, लस्सी मंगाऊं आप लोग? उठ लो। सुना था तुम्हारी यहां कोई फैक्ट्री इनॉग्रेट होने वाली। फैक्ट्री के लिए जो तुमने जमीन खरीदी थी वो तो वैसे ही बंजर पड़ी है, और यहां तुम खड़े होकर चाय और लस्सी पिला रहे हो। ये क्या है, तबेली जैसा? फैक्ट्री की चुनौती तुमने मुझे दी थी, ऐसी कोई फैक्ट्री तो दिखाई नहीं देती। क्या तुम बंद पड़े डेयरी फार्म को ही अपनी डेयरी समझ रहे थे? ये है तुम्हारी फैक्ट्री? सुना तो फैक्ट्री था दो बद्री। कहते हैं ना, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। बेटा, फैक्ट्री लगाने में और उसमें नौकरी करने में बहुत फर्क होता है, तुम तो जानते हो। तुम जहाँ खड़े हो ना वही सही है, और ये जो गाय भैंस चराते हो ना वही तुम्हारे लिए ठीक है। जो काम जानते हो ना वही करना चाहिए। मैं वही कर रहा हूँ जो मैं जानता हूँ, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ आप नहीं जानते। 11 बजने में अभी भी 5 मिनट बाकी हैं। एक्साइटमेंट में आप लोग थोड़ा जल्दी आ गए। नहीं चा? तो इस 5 मिनट में तुम ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाओगे जो ये सारा तवेला फैक्ट्री में बदल जाएगा, और जो तुमने जमीन ली है अभी तक बंजर पड़ी है। अब ये तो नजर नजर का फेर है सर जी। मेरी जिस जमीन पर आप नजरें गड़ाए बैठे थे वो तो मैं दुगने दाम में बेच चुका। खैर छोड़िए, इनसे मिलिए। ये है सुखी जी। उम्र हो गई थी तो अपना गाय और तबेलों को बेच के गांव जा रहे थे। तबेले और गायों को अलग अलग बेच रहे थे। मैंने दोनों को साथ में खरीदा तो थोड़ा डिस्काउंट भी मिला। अब ऐसा है ना सर, मैं प्रॉपर्टी में बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करता हूं। मैं किसी के उकसाने पे नहीं खरीदता। कांग्रेचुलेशन, आपको तजुर्बा है और मेरी अकल में कमी। अभी तो 20 लाख की जमीन 40 पे खरीदने पर मजबूर कर दिया मैंने आपको। अब इस पुराने तबेले की दीवारों के अंदर मशीनें सब नहीं, ब्रांड न्यू। आज 1 जुलाई है और मेरी फैक्ट्री के शुरू होने में सिर्फ एक रिबन काटने की देरी है। ये सब काम मैंने आपके शहर में आपकी नाक के नीचे किया। अथर पढ़ लिख कर वापस आ गया है, वो संभाल लेगा सब कुछ। किसी चीज पर काम कर रहा है, 2 साल में इस शहर का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। सपने देखता है, पूरे करना भी जानता है, और आपको खबर तक नहीं हुई। फैक्ट्री लगाने में और उसमें नौकरी करने में फर्क तो होता है। अथर्वा बहुत ही होनहार बच्चा है, भगवान इसे लंबी उम्र दे।
बहुत तरक्की करेगा। ये सब काम तुमने मेरी नाक के नीचे किया और मुझे खबर तक नहीं हुई, क्योंकि तुम किसी चूहे की तरह बिल में घुसे हुए थे। ये चुनौती नहीं है, बेईमानी है। बेईमानी? बेईमानी कैसे सर? मैंने आपसे कहा था कि 1 जुलाई को मेरी फैक्ट्री तैयार होगी, तो तैयार है। मैंने आपसे कहा था कि मैं उस पर काम कर रहा हूं, तो वो तो मैं कर रहा था। प्रॉब्लम ये है कैलाश जी कि आपकी सारी सोच और आपका फोकस सिर्फ मेरी जमीन पर है, तो उसमें मेरी क्या गलती सर? मुझे छिप छिपा कर कोई भी काम करने की आदत नहीं। मैं जो भी करता हूं छाती ठोक कर करता हूं। मैं आपकी बेटी से मिला आपकी नाक के नीचे, उससे मोहब्बत की आपकी नाक के नीचे, उससे शादी की शर्त रखी आपकी नाक के नीचे, आपके और सबके सामने ये चुनौती भी छाती ठोक के दी थी और छाती ठोक के पूरी की। आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, मुझे झूठे केस में फंसवाया, पुलिस से पिटवाया, घर से बेघर कर दिया, लेकिन मैंने अपने चुनौती को एक वादे की तरह पूरा किया, आपकी नाक के नीचे। अब आप इसे मेरी चुनौती समझें, सपना या मेरा वादा, हकीकत बनकर आपके सामने खड़ा हूं और आपका पैसा और रुतबा इसे झुठला नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसा तो हो गया सर, जो हो चुका है उस पर आपको यकीन नहीं हो रहा, जो होने वाला है उस पर यकीन कैसे करेंगे? आइए आपको दिखाता हूं। अरे आइए ना सर। सर आपके हिसाब से तबेला है वो अंदर से देख लीजिए कैसा है। अरे आइए सर, आइए आइए आइए, देखा आपको तबेला दिखाता हूं, ये देखिए। आइए लीजिए चेक। इसमें आज से 6 महीने की बात की डेट चली है। अब आप बिजनेसमैन हैं, मुनाफे की बात ही समझेंगे। जिस हवेली से आपने मुझे और मेरी मां को निकाला था, आज से ठीक 6 महीने बाद इस चेक पे मार्केट रेट के हिसाब से 10% ज्यादा अमाउंट देते हैं और वो हवेली आपसे वापस खरीदूंगा। मैं ये हवेली तुम्हें किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा। जब आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे, तब वो उसी हवेली में रहेगी। क्योंकि बेटी के ससुराल में आप रहते अच्छे नहीं लगेंगे ना। I mean, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप थोड़े पुराने विचार के। तब शायद आपको इस चेक की जरूरत पड़े।
ससुर जी अब गुस्सा थूक दीजिए ना, आप भी जानते हैं आपको मुझसे अच्छा दामाद नहीं मिलेगा। सर अब विविधा और मैं मंदिर में आप सगाई करने वाले हैं, आप सब परिवार मंदिर में आके हमें आशीर्वाद देंगे, सबको अच्छा लगेगा। नाम मत लो तुम विविधा का अपनी जुबान से, विविधा तुमसे प्यार नहीं करती और वो तुम्हारे साथ नहीं जाए। आप क्यों बार बार भगवान बनने की कोशिश करते हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि विविधा मुझसे प्यार करती है, बस ये बात आप खुद नहीं मानते हैं और चाहते हैं कि वो भी ना माने। विविधा किसी भी कीमत पर तुमसे प्यार नहीं करती। अगर ऐसा है सर तो आपकी बेटी क्यों मुझे इस वक्त कॉल कर रही है? लगता है मेरे प्यार ने आपकी बेटी के दिल से आपका डर हमेशा के लिए निकाल दिया। हेलो हेलो अथर्व, विविधा मैं जानता था आपका फोन मुझे जरूर आएगा। अथर्व सुनो। हाँ हमारी जीत का ऐलान है, मेरे वादा पूरा होने की गूंज, फैक्ट्री सेटअप हो गई है, विविधा फैक्ट्री तैयार हो गई है, I've done it। अच्छा सुनो मैं क्या कह रही हूँ। हेलो विविधा, हमारा दिन आ गया है, अब आपको डर का बंधन छोड़ के प्यार का बंधन से बंधने की देरी है। अथर्व सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनिए और भागी चली आइए मेरे पास मंदिर में। अथर्व तुम मेरी बात सुनो। हेलो विविधा, सगाई सिर्फ एक चुनौती नहीं थी मेरे लिए, वो एक वादा था आपसे कि मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा, आपके आसपास भी कभी गम नहीं आने दूंगा। मेरा हाथ खान कर देखिए विविधा। हेलो अच्छा सुनो मैं क्या कह रही हूँ। हेलो अच्छा क्या मुझे आपकी आवाज
गुड्डी गुड्डी हाँ गुड्डी को मंदिर जरूर लेके आना, उसके बिना तो सगाई हो ही नहीं सकती। अतर हेलो अतर सुनो, मैं मंदिर में आपका इंतजार करूंगा। सी यू। सुनो ये विविधा इसे क्यों फोन कर रही है, कहीं वाकई में इसके साथ प्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? ससुर जी सुधी कहाँ चली गई है, तू कहाँ ढूंढू आप? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।